इंडिया की फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर बनने वाली बायोपिक में श्रद्धा कपूर लीड रोल में होंगी और हो सकता है कि आप बड़े पर्दे पर उनसे बार बार मांच दूंगी का डायलॉग सुनेंगे। ऐसा हम नहीं, इस फिल्म के निर्देशक कमोल गुप्ते कह रहे हैं। एक बातचीत में अमोल ने बताया है कि वे यह बायोपिक सिर्फ किसी के जीवन पर फिल्म बनाने के नाम पर खाना आपूर्ति के लिए नहीं बना रहे हैं, वो सतही स्तर की बायोपिक नहीं बनाना चाहते। अमोल ने बताया है कि साइना के रोल के लिए उनके दिमाग में हमेशा श्रद्धा कपूर का ही नाम था। उन्होंने बताया कि अब तक फिल्म का टाइटल तय नहीं किया गया था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी साइना खेलने जाती हैं तो वे हमेशा कहती हैं मुझे जाना है और मारना है, उसको मांच दूंगी, इसलिए मुझे लगता है कि इस फिल्म का टाइटल मांच दूंगी हो सकता है। अमोल ने यह भी बताया है कि फिल्म में साइना की पूरी जर्नी दिखाई जाएगी, बताएंगे कि वो कैसे नंबर वन प्लेयर बनी। वह काफी अच्छी खिलाड़ी हैं, उनके मन में कोई लालच जैसी चीज नहीं है, उनकी जर्नी प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने बताया कि मैंने फिल्म को लेकर काफी काम किया है, मैंने काफी रिसर्च करके वक्त देकर इसे पूरा किया है, मैंने साइना के परिवार और कोच के साथ समय बिताया है। श्रद्धा साइना से मेल खाती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म देखकर दर्शकों को साइना की फिल्मी नहीं असल जिंदगी नजर आएगी।